हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर से टॉपिक पंक्चुएशन मार्क्स। चलो अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं। पंक्चुएशन ऐसे सिंबल और साइंस हैं इंग्लिश ग्रामर में जो हमें बताते हैं कि किसी सेंटेंस को किस तरह से पढ़ना है। जब हम बोल के कोई बात बताते हैं तो हम खुद ब खुद उस पर इस तरह से स्ट्रेस करते हैं कि सुनने वाले को पता चल जाता है कि हम कोई बात बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या किसी चीज पे हम कोई आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, या फिर हम कोई कमांड देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम बोलने के लहजे से उसको प्रकट करते हैं। पर जब लिखा जाता है सेंटेंस को तो उसमें कुछ सिंबल्स को यूज किया जाता है ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये किस तरह का सेंटेंस है। पंक्चुएशन की डेफिनेशन देखो। Marks of punctuation are used to mark pauses and stresses in speech. जो punctuation mark है वो हमारी speech में कहाँ रुकना है, कहाँ पे stress करना है, इस चीज को show करते हैं। Punctuation shows us how each sentence should be read. देखो punctuation हमें बताते हैं कि किसी sentence को किस तरह से पढ़ना है। Okay? अब आपको ये तो समझ आ गया कि punctuation है क्या। अब कौन कौन से पंक्चुएशन है हम आगे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप को आप इस तरह से लिखते हो। द फुल स्टॉप स्टैंड्स फॉर द लार्जेस्ट पॉज एंड मार्क्स द एंड ऑफ द सेंटेंस। जो फुल स्टॉप है वो एक लंबे ठहराव को और सेंटेंस के एंड को दिखाता है। मीन्स जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है हम पढ़ते हुए वहां पे रुकते हैं, ठीक है, वो ठहराव। और फुल स्टॉप लग गया मींस इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फुल स्टॉप इस चीज को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, माय नेम इज सुरभि, माय नेम इज सुरभि, इस तरह से है ये, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप, मींस हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। माय नेम इज सुरभि, इसके बाद हम एक ठहराव आएगा, उसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। इस तरह से आप फुल स्टॉप को यूज करोगे। अब हम देखते हैं कॉमा। इट इज अ शॉर्ट पॉज और यूज टू सेपरेट आइटम्स इन ए सेंटेंस। जो कॉमा है वो सेंटेंस में बिल्कुल थोड़ा सा ठहराव लाता है, बिल्कुल थोड़ी टाइम के लिए रुक के फिर उस सेंटेंस को पढ़ा जाता है। और ये जो सेंटेंस में अलग अलग आइटम्स दी होती हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करता है, अलग करता है, इसलिए कॉमा को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मैंगो कॉमा, देखो यहाँ पे ठहराव गया, आई लाइक मैंगो बनाना एंड ऑरेंज। जब हम कॉमा यूज करते हैं तो बोलते वक्त वहां पे थोड़ा सा ठहराव आएगा और ये दो आइटम को अलग करेगा। जैसे मैंगो और बनाना है, इसके बीच में कॉमा आ गया, मीन्स मुझे मैंगो पसंद है, बनाना पसंद है और ऑरेंज पसंद है, ठीक है। आगे देखो सेमी कॉलन। द सेमी कॉलन इज अ लॉन्गर पॉज देन ए कॉमा। देखो जो सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन को लिखा कैसे जाता है, इस तरह से। ओके, जो सेमी कॉलन है उसमें कॉमा से थोड़ा सा ज्यादा ठहराव होता है, ठीक है। फुल स्टॉप से कम होगा और कॉमा से ज्यादा होगा। कैसे, देखो, एज यू सो सो शैल यू रीड। जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। देखो इस तरह से दो सेंटेंस है, हमने उनको अलग किया है और कॉमा से ज्यादा ठहराव है इसमें। एज यू सो, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे, तो यहाँ पे आएगा सेमी कॉलन। जब सेमी कॉलन दिया है तो वहां पे हल्का सा ठहराव ज्यादा होगा। देखो फुल स्टॉप पे जो पॉज है वो लंबा होगा, कॉमा पे बिल्कुल कम होगा और सेमी कॉलन उन दोनों के बीच का ठहराव आएगा। ओके, नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। द अपोस्ट्रोफी इज यूज टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ लेटर और शॉर्ट एंड वर्ड। अब देखो जो अपोस्ट्रोफी है वो बिल्कुल लेटर के ऊपर लगती है, इस तरह से, है ना। अब ये कैसे यूज की जाती है, या तो ये किसी लेटर का ओमिशन करने के लिए, जैसे डोंट, हम इसको डोंट, होता क्या है ये, डू नॉट, मीन्स ओ को ओमिट कर दिया यहां से, तो किसी लेटर को ओमिशन के लिए। इट्स है ये, क्या है, इट इज, यहां से
आई का ओमिशन किया है। जब हमने किसी को शॉर्ट रूप में वर्ड को दिखाना है, लिखना है, तो हम एपोस्ट्रॉफी को यूज करते हैं। जब हम और इसका यूज, और देखो द एपोस्ट्रॉफी इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म द पजेसिवनेस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। देखो जो एपोस्ट्रॉफी है वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन का पजेसिवनेस दिखाने के लिए। जैसे द बेबीज पिक्चर, बेबी की पिक्चर, किसकी पिक्चर? बेबीज। देखो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज किया है, बेबीज पिक्चर। द आंट साड़ी, आंट की साड़ी, किसकी साड़ी? आंट की। ये एस है और ये एपोस्ट्रॉफी है। सिर्फ इतना सिंबल लगाने से हमें ये पता चल गया कि ये साड़ी किसकी पजेशन है? आंट की। ये पजेसिवनेस दिखा रहा है, आंट हमारे नाउन हो गया और एपोस्ट्रॉफी एस लगने से ये पजेसिवनेस इसकी शो। ओके, सिंपल है ना। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखो ये वाला होता है, इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो सेंटेंस का हमने टॉपिक किया था उसमें हमने किए थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम किसी सडन इमोशन को शो करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक इट इज। देखो इसमें बताया कितनी इंटरेस्टिंग बुक है ये। तो इस तरह के जो सेंटेंस है जिसमें सडन फीलिंग और इमोशन को शो किया जाता है वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, राइट। नेक्स्ट कोटेशन मार्क्स। अब देखो कोटेशन मार्क्स कौन से होते हैं जो इस तरह से हम यूज करते हैं। आपने ये मार्क्स लगे हुए देखे होंगे, इन मार्क्स को बोला जाता है कोटेशन मार्क्स। दे इनक्लोज द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड बाय ए स्पीकर। देखो एक स्पीकर द्वारा जो एक्चुअल वर्ड बोले जाते हैं उनको शो करने के लिए कोटेशन मार्क्स को यूज किया जाता है। जैसे रिया सेड आई लव टू रीड अ बुक। रिया कहती है मुझे बुक पढ़ना पसंद है। अब ये उसके एक्चुअल वर्ड है। यहाँ पे रिया सेड, रिया ने कहा मैं बुक पढ़ना पसंद करती हूँ। अगर यहाँ पे ऐसे होता है कि रिया कहती है कि उसे बुक पढ़ना पसंद है, ये तो एक्चुअल नहीं हुए ना, हम कह रहे हैं उसे पसंद है। अब यहाँ पे कहा गया है कि रिया कहती है मुझे बुक पढ़ना पसंद है, उसने आई यूज किया है। मीन्स ये जो स्पीकर है हमारा, रिया हमारी स्पीकर है, उसके एक्चुअल वर्ड है। उसने कहा मुझे बुक पढ़ना पसंद है। जब इस तरह से किसी के एक्चुअल वर्ड को शो करना हो तो ये कोटेशन मार्क्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ कॉमा आ गया, कोटेशन मार्क्स आ गए, फुल स्टॉप हो गए। एक सेंटेंस में कई सिंबल एक साथ यूज किए जा सकते हैं। इस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स सेंटेंस पढ़ने में आपको हेल्प करते हैं। इसलिए इतने एक्सक्लेमेशन मार्क्स काफी हैं। आगे के मार्क्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।